Hello students, welcome back to my YouTube channel, Agriculture at a glance. So, student, my today's topic is deforestation. Deforestation is a important topic regarding nature and environment. Deforestation is also a topic of environmental science in agriculture. So, today I come with you all to teach you. on this topic, so let's get this started. Deforestation refers to the decrease in forest areas across the world that are lost for other uses. Deforestation का तात्पर्य सिर्फ़-सिर्फ़ forest area के decrease होने से है। ये forest area क्यों decrease होती है? क्योंकि उस area पे या तो उसको यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए या फिर अर्बनाइजेशन के लिए या फिर माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए ग्रेटली एसलेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ सिंस नाइनटीन सिक्सटी नाइन्टीन सिक्सटी से ये इंसानों के द्वारा ये एक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है मतलब कि फॉरेस्ट एरिया को कट कर दिया जाता है या तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए हाउसेस बनाने के लिए या फिर जो है उन लकड़ियों को जला दिया जाता है उस लैंड को जला दिया जाता है जिससे कि उस पर एग्रीकल्चर के वर्क किए जा सकें या फिर प्लांट वगैरह ग्रो किए जा सकें एंड थर्ड पॉइंट इज़ द एनुअल रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू बी अराउंड वन पॉइंट थ्री मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर डिकेड ये अकॉर्डिंग टू एफ ए है एफ ए ओ क्या है एफ ए ओ स्टैंड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एनुअल रेट जो है डिफ़ॉरस्ट्रेशन का वो है वन पॉइंट थ्री मिलियन किलोमीटर स्क्वाय पर डिकट पर डिकेट इतना डिफॉरेस्टेशन होता है नावी कम ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड

तो फिर वहाँ पे आग लगने की वजह से बहुत सारे पेड़ जल जा जाते हैं इस वजह से एक डिफॉरेस्टेशन होता है या फिर बहुत सारे हाई अमाउंट में कहीं पैरासाइट लग गया या फिर डिजीज़ कुछ कॉज हो गया पेंडेमिक हो गया जैसे कि पूरी एरिया में फैल गया तो उससे भी जो है फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन कारण ये है ग्लोबल डिफ़ारेस्टेशन की ह्यूमन एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे ह्यूमन जो है कंस्ट्रक्शन के लिए हो गया जैसे कि रोड हो गए डैम हो गए माइनिंग एक्टिविटीज़ हो गए इन सब के लिए फॉरेस्ट से ज़्यादा अमाउंट में जो है लकड़ियाँ वगैरह कट करके लेके जाते हैं और उनको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं इससे इनडायरेक्टली क्या होता है फॉरेस्ट एरिया लॉस हो रही है और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इसलिए जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बहुत बड़ा और मेन कारण बताया गया है डिफॉरेस्टेशन का नाव वी कम ऑन आवर नेक्स्ट स्लैट दैट इज एग्रीकल्चर इज अ कॉज ऑफ़ डिफॉरेस्टेशन एग्रीकल्चर कैसे डिफॉरेस्टेशन का कॉज है क्यों एग्रीकल्चर की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है या फिर कहा जाता है एग्रीकल्चर की वजह से सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है परसेंटेज में देख लें तो एग्रीकल्चर थर्टी थ्री परसेंट डिफॉरेस्टेशन कॉज करता है कैसे कॉज करता है जैसे कि हमें फार्मर को हो गया क्रॉप ग्रो करना है तो फिर उसके लिए वो लैंड को बर्न करते हैं फिर उस पर जो है ग्रो कर रहे हैं क्रॉप जिससे कि उससे कुछ मार्केट में बेच के पैसा अर्न कर सके इसलिए फार्मर अपने फ़ायदे के लिए लैंड को बर्न करके जो है क्रॉप ग्रो करता है और ग्रेज़िंग ऑफ एनिमल्स हो गया फार्मर अपने आ, जैसे बफेलो हो गए काव हो गए उनको ग्रेस कराने लैंड पे ले जाते हैं वहाँ पे तो वहाँ से भी जो है ग्रासेस ख़त्म हो जाती है तो डिफॉरेस्टेशन का ये भी एक कारण है जो छोटे छोटे फार्मर्स हो गए जिनके घर में मतलब कि गैस नहीं है या फिर वो चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो इसलिए वो दूर कहीं फॉरेस्ट से जा के बडे बड़े, बड़े लकड़ियाँ हो गई वुड हो गए, उन सबको कट करते हैं जिससे कि वो फायर के लिए यूज़ कर सकें इसलिए ये सारे कारण जो है डिफॉरेस्टेशन करते हैं फिर ये कह लीजिए ये सारे पॉइंट्स के वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है सो स्टूडेंट इन आवर सेकेंड स्लाइड वी डिस्कस हाउ कंस्ट्रक्शन कॉज डिफॉरेस्टेशन कंस्ट्रक्शन कैसे डिफॉरेस्टेशन कॉज करता है जितना भी डिफॉरेस्ट्रेशन होता है उसका टेन परसेंट कंस्ट्रक्शन से ही कॉज होता है आप लोग आसपास देखते होंगे तमाम कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं कुछ रोड बन रहे हैं कुछ बिल्डिंग्स बन रहे हैं इन सब में तमाम जो है वुड्स वगैरह या फिर वुड से बनी हुई प्रोडक्ट्स वगैरह के यूज़ किए जाते हैं इसलिए जो है डिफॉरेस्टेशन का एक कारण कंस्ट्रक्शन भी है और ये डिफॉरेस्ट्रेशन ह्यूमन लाइफ को किस तरीके से Uh, कर रहा है वो है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनर्जी जनरेशन से नाउ वी डिस्कस हाउ अर्बनाइजेशन इज द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन अकॉर्डिंग टू द एफ एसेंट अर्बनाइजेशन कॉज डिफॉरेस्टेशन दिस अर्बन ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू लाइव इन सिटी बाई ट्वेंटी फिफ्टी बाई सिक्सटी एट परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डिफॉरेस्टेशन का एक कारण अर्बनाइजेशन कैसे है अर्बनाइजेशन मतलब कि शहरी प्रथा लोग गांव छोड़ के शहर में बसते जा रहे हैं शहर में बस रहे हैं तो फिर उनको कंस्ट्रक्शन करके अपना घर भी बनाना होगा और उस कंस्ट्रक्शन के लिए जो है आ, पहले तो घर बनाने के लिए वुड की आवश्यकता होगी और फिर घर बनने के बाद उसमें तमाम ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो कि वुड्स वग़ैरह से या फिर पेड़ के बने हुए प्रोडक्ट से यूज़ किए जाएंगे इसलिए पाँच परसेंट ऑब्गनाइजेशन से डिफॉरेस्टेशन कॉज होता है एंड अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन फाइव परसेंट बोला गया है कि आग्नाइजेशन कॉज करता है डिफॉरेस्टेशन और एफएओ के रिपोर्ट के अनुसार जो है ऐसा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ट्वेंटी फिफ्टी तक दो हज़ार पचास तक सिक्सटी एट परसेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन की जितनी भी वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसके सिक्सटी एट परसेंट पॉपुलेशन जो है ट्वेंटी फिफ्टी तक अर्बन ग्रोथ कर चुका होगा इसलिए आर्मनाइजेशन को भी डिफॉरेस्टेशन का एक मेजर कॉज बताया गया है नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट लेट डेट इज डिफॉरेस्टेशन एफेक्ट्स डिफॉरेस्टेशन का हमारे लाइफ पे एनिमल्स और बर्ड्स के लाइफ पे हो गया या फिर इन्वामेंट पे हो गया या क्लाइमेट पे हो गया क्या असर पड़ता है पॉइंट्स आर एस फॉलोज बायो डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी में देखें तो जैसा आप लोग जानते हैं एट्टी परसेंट जो है अर्थ के लैंड के जितने भी एनिमल्स हो गए या फिर जो है बर्ड्स हो गए जितने वो जो है फॉरेस्ट में ही रहते हैं और अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा तो फिर उनके उनके रहने की समस्या होगी या फिर कह कहले उनका घर छिन जाएगा बाय डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर पुटिंग इंटायर इकोसिस्टम इन डेंजर क्रिएटिंग नेचुरल इम्बैलेंस एंड पुटिंग लाइफ एट थ्रीट सेकेंड पॉइंट इज ऑन लोकल पीपल एंड देयर लाइवलीहुड इसका मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे पीपल हैं जो कि फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होते हैं वहाँ से कुछ लकड़ी ले रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो है बहुत सारे एग्रीकल्चर के लैंड के लिए यूज़ किया जाता है बहुत सारे जो स्मॉल स्केल फार्मर कह लीजिए या फिर जो मतलब कि पुअर पीपल्स हैं वो वहाँ से जंगल से लकड़ियाँ बटोरते हैं उन पर फायर जलाने के लिए फायर के लिए यूज़ करते हैं या फिर जो है लैंड को जला कर वहाँ पर क्रॉप ग्रो करते हैं तो अगर ज़्यादा ज़्यादा डिफॉरेस्ट्रेशन होगा तो फिर इन पीपल के ऊपर और उनके लाइफ के ऊपर असर करेगा थर्ड पॉइंट इज़ फूड इनसिक्योरिटी इन द फ्यूचर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है एंड फूड इन सिक्योरिटी भी साथ साथ बढ़ती जा रही है बिकॉज़ अगर पॉपुलेशन राइज होगा खाने के लिए हम लोग के पास नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है इनसेटी तो होगी ही हो होगी एंड अगर डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो सॉयल इरोजन ज़्यादा से ज़्यादा होगा और सॉयल इरोजन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो फिर वो क्रॉप वहाँ पे अच्छे से ग्रो नहीं होगी या फिर ग्रो होगी तो हेल्दी नहीं होगी न्यूट्रिशियस नहीं होगी यानी कि लो ईल्ड होगी लो ईल्ड की होगी पुअर क्वालिटी की होगी हो तो इससे फूड इनसेक्योरिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में सॉयल इरोजन जैसे कि मैंने बताया कि डिफॉरेस्ट्रेशन ज़्यादा ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो फिर सॉइल इरोजन भी हो सकता है या फिर होता ही है सोयल इरोजन सोयल इरोजन मीन्स जो टॉप मोस्ट सोयल जो है रिमूव कर जाती है उसी को सोइल इरोजन कहते हैं और ये सोयल uh, इरोजन का एक सबसे बड़ा कारण डिफॉरेस्ट्रेशन ही होता है सेकेंड पॉइंट है क्लाइमेट चेंज जैसा कि आप लोग स्टूडेंट जानते हैं कि ट्रीज़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है तो डिफॉरेस्टेशन अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के लेवल में प्रॉब्लम होगी लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक लॉस इकोनॉमिक लॉस कैसे होगा अगर ज़्यादा ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है यानी कि फॉरेस्ट एरिया को कट किया जा रहा है ट्रीज़ को कट किया जा रहा है और वहाँ पर सॉयल इरोजन हो रहे हैं तो ये सारे मिल जो है इकोनॉमिक लॉस के एक कारण बन सकते हैं क्योंकि जो है वहाँ पे क्रॉप ग्रो नहीं कर सकती है एंड एनिमल्स और ह्यूमन पीपल के लाइफ को अफेक्ट हो सकता है इसलिए इकोनॉमिक लॉस भी डिफॉरेस्टेशन का एक इफेक्ट है वी कम ऑन आवर लास्ट स्लाइड दैट इज कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं पॉइंट आर एस्ट फॉलोज प्लान अ ट्री वेयर यू कैन जहाँ पे आप ट्री को प्लांट कर सकते हैं एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा को ट्री को प्लांट करिए गो पेपरलेस एट होम एंड इन ऑफिस जैसा कि आप लोग जानते हैं पेपर भी जो है ट्री से बनता है इसलिए ज़्यादा ज़्यादा पेपर लेस हो ऑफिस में पेपर कम यूज़ करिए या फिर होम में पेपर कम यूज़ करेंगे तो फिर जो है ट्री को भी कम कट करना पड़ेगा और इससे एक डिफॉरेस्टेशन का भी कंट्रोल किया जा सकता है थर्ड पॉइंट इज बाय रिसाइकल्ड प्रोडक्ट एंड देन रिसाइकल दम अगेन बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो रिसाइकल प्रोडक्ट होते हैं जिनको यूज़ करने के बाद दोबारा रिसाइकल किया जा सकता है तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि ट्रीज से बनाए जा रहे हैं या फिर लीव से बनाए जा रहे हैं या फिर ट्री के कोई पार्ट से बनाया जा रहा है तो उनको यूज़ करिए और अगर वो रिसाइकल हो सकते हैं तो फिर जो है उनको रिसाइकल भी करिए मतलब कि रिसाइकल प्रोडक्ट को ज़्यादा ज़्यादा अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करिए लास्ट पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेजिंग अवेयरनेस इन योर सर्किल एंड इन योर कम्युनिटी आप जिस सर्किल में रह रहे हैं आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं उस कम्युनिटी को या फिर उस कम्युनिटी में एक अवेयरनेस फैलाइए डिफॉरस्टेशन की किसी कैसे जो है डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कारण हैं उनसे हमारे डे टू डे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है सो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा डिफॉरेस्टेशन के बारे में एंड में मैं आप लोगों से यही कहूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए थैंक यू